हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे अपने कमेंट में पूछी गई क्वेरी के बारे में। पहले जान लेते हैं कि कमेंट क्या था। हर एक कंपनी की अपनी यूएसपी होती है, कहते हैं विदाउट यूएसपी कोई भी कंपनी फेल हो जाती है। सर माय क्वेश्चन इज, एक आयुर्वेदिक मार्केटिंग कंपनी का मैनुफैक्चरिंग कंट्रोल अपने हाथ में नहीं होता, थर्ड पार्टी मैनुफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते हैं, सो हम अपनी मार्केटिंग कंपनी को अदर कंपिटिटर से कैसे डिफरेंट बनाएं कि ब्रांडिंग और प्रोडक्ट की सर्विसेज को कस्टमर सेल कर पाए। पहले तो थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो या रिटेलर है, वो हमारे प्रोडक्ट को क्यों सेल आउट करना चाहेगा। या तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमारे प्रोडक्ट है उस कैटेगरी में और उसकी मजबूरी है हमारा प्रोडक्ट बेचना। दूसरा, हमारी ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी है कि कस्टमर हमें उस प्रोडक्ट को ब्रांड नेम से ही मांगता है, तो उनकी मजबूरी है उसको रखना। दोनों ही केसेस स्मॉल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू भी नहीं होती और हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट भी नहीं होते कि जो दूसरों के पास नहीं हो। तो इस केसेज में तो ये दोनों पॉसिबिलिटी तो खत्म हो जाती हैं। तीसरा ये होता है कि हमारी क्वालिटी पे उसको सबसे ज्यादा विश्वास है, तो वो जो भी उसके पास कस्टमर आता है वो उसको हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर करता है कि भाई आप ये ले लो। इसके बाद हो सकता है कि हम उसको ज्यादा मार्जिन दे रहे हो, हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा है और हम मार्जिन भी अच्छा दे रहे हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। लेकिन जब भी मार्केट में मार्जिन की बात आती है तो आप जितना मार्जिन देके जाओगे अगला बंदा उससे ज्यादा मार्जिन देके चला जाएगा, तो वहां पे आपकी सेल डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसको ज्यादा मार्जिन मिलना शुरू हो जाएगा तो वो उसका प्रोडक्ट सेल आउट करना शुरू कर देगा। पर यहाँ पे क्वालिटी का इशू हो सकता है कि अगर आपकी क्वालिटी बेटर है तो आप कहीं ना कहीं कम मार्जिन देके भी अपना प्रोडक्ट बेच लोगे। लेकिन वही बात आ जाती है कि आप तो मार्केटिंग कंपनी हो, आपके हाथ में मैनुफैक्चरिंग नहीं है, आप क्वालिटी को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा सकते एक आयुर्वेदिक मार्केटिंग कंपनी के हिसाब से। अगर आप छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपका फुल कंट्रोल होता है मैनुफैक्चरिंग में। अगर वो थोड़ी सी भी कम क्वालिटी देगा तो आप उसको भी डर होगा कि आप उससे ऑर्डर खींच लेंगे तो उसका भी बहुत बड़ा सेल का लॉस हो जाएगा। लेकिन छोटी कंपनीज के लिए वो पॉसिबल नहीं होता, तो वहां पे थोड़ा सा क्वालिटी पे हम मान के चलते हैं कि आपका कम कंट्रोल है। अब बात आ जाती है रिलेशनशिप की, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ या रिटेलर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे है। अगर आपके अच्छे रिलेशनशिप है तो आपके प्रोडक्ट को रख सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और प्रेफरेंस भी दे सकते हैं दूसरों की तुलना में, अगर आपके उनके साथ रिलेशनशिप ज्यादा है। तो यहीं पे जो ये रिलेशनशिप है, ये बेसिकली अगर हम इसको ब्रॉड टर्म में या मार्केटिंग सेंस में पढ़ते हैं तो इसको कहीं ना कहीं हम पर्सनल ब्रांडिंग से कोरिलेट कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग एक्चुअली क्या होती है, आपको पर्सनल ब्रांडिंग थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 2020 में और 2021 में जो मार्केटिंग ट्रेंड आ रहे थे, ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेंड आ रहे थे, उसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नीचे जा रही थी और जो उसमें पर्सनल ब्रांडिंग है वो आप आ रही थी। तो पर्सनल ब्रांडिंग को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, जो आपकी यूएसपी हो सकती है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हो सकता है, वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो सकती है किसी भी आयुर्वेदिक मार्केटिंग कंपनी के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आप मानते तो उसमें आने वाले टाइम में आपकी पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको पतंजलि का एग्जाम्पल देता हूँ। पतंजलि एक्चुअली आयुर्वेदिक में एक एग्जाम्पल सेट कर चुकी है और वो हर किसी कंपनी का आज के टाइम में ड्रीम है कि आपको पतंजलि की सेल को मैच करना है। आयुर्वेदिक में अगर आप फील्ड में हो, या मैंने बहुत पर्सन देखे हैं एक्चुअली, जब मैं शुरू शुरू में मिलता था तो मैंने बहुत बंदे देखे हैं जो अपने आप को सीधा पतंजलि से कंपेयर करते थे और पतंजलि की ही तरह मार्केटिंग मॉडल में या डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में जाना चाहते थे। तो आपको पतंजलि में और पर्सनल ब्रांडिंग में कितना बड़ा कोरिलेशन है दोनों के बीच में, पतंजलि और पर्सनल ब्रांडिंग के बीच में। एक्चुअली क्या है कि आज हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव ने उस पर्सनल ब्रांडिंग के बलबूते पे ही पूरा पतंजलि एम्पायर खड़ा किया है, क्योंकि बाबा रामदेव अपने आप में ही एक ब्रांड है और हम पतंजलि को बाबा रामदेव से जानते हैं, उसकी फोटो आपको मिलेगी। एक्चुअली क्या है कि एक ब्रांड के साथ एक पर्सनल ब्रांड अटैच हो गया है, एक वो आपका एक कोई आपका सेलिंग प्रोडक्ट है, आपका सेलिंग ब्रांड है, उसके साथ आपने एक पर्सन को एसोसिएट कर दिया है, एक पर्सनल ब्रांडिंग उसके साथ जुड़ गई है। लोग अब उसको बाबा रामदेव से कोरिलेट करते हैं कि ये उसकी कंपनी है, मेरे को तो बाबा रामदेव का टूथपेस्ट, मेरे को तो रामदेव का प्रोडक्ट चाहिए। पतंजलि तो लोग बहुत बाद में आगे बोलने लगे, पहले तो रामदेव का नाम लेते थे, इसी को हम पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। और ये पर्सनल ब्रांडिंग हमारे छोटे लेवल पे कैसे काम करती है, एक्चुअली क्या होता है कि हम ना तो कह सकते हैं कि हमारी क्वालिटी डाबर से अच्छी है, वैद्यनाथ से अच्छी है, या फिर हमारी पतंजलि से अच्छी है। अगर हम छोटे लेवल की कंपनीज है, उनकी छोटे लेवल की मार्केटिंग कंपनीज की बात करते हैं, तो वहां पे अगर आपको बेचना है तो आपको वहां पे पर्सनल ब्रांड बनना पड़ेगा, आपके वहां पे रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। और अगर आपके उनके साथ अच्छे हैं रिलेशनशिप, अगर आप मतलब आप कुछ भी सर्विस दे सकते हो, कुछ भी मतलब जो आपके हिसाब से आपको लगता है, अगर
कि जब भी वो आपका प्रोडक्ट उनके सामने आए, जो प्रोडक्ट आपका है उनके काउंटर पे रखा हो, और जब भी बेचने की बात आए तो उनके माइंड में आपका माइंड आना चाहिए कि ये आपका प्रोडक्ट है, उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं। उस ब्रांड की वैल्यू तो बाद में आएगी, पहले उनके माइंड में आपका चेहरा आना चाहिए या उस ब्रांड से जुड़े हुए उस पर्सनल ब्रांडिंग का, पर्सनल ब्रांड का, चाहे आप बेच रहे हो या आपका कोई दूसरा बंदा उसके साथ एसोसिएटेड है, तो उसका चेहरा उनके माइंड में आना चाहिए यार ये तो उसका प्रोडक्ट है और मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना है। और जब आप अपने ब्रांड के साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जोड़ दोगे तो वो ही आपकी यूएसपी बन जाएगी, यहाँ पे वही आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हो जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है। आज के टाइम में आप देखोगे कि एक ही तरह के आपको 70 चीजें मिलेगी, आपको टूथपेस्ट हर कंपनी का मिलेगा, आपको फेस वॉश हर कंपनी का मिलेगा। चीज के साथ जुड़ी हुई चीज हमें उसको बेचने के लिए मजबूर करती है। मेरे हिसाब से पर्सनल ब्रांडिंग के अलावा हमारे पास इतना बड़ा बजट नहीं हो सकता कि हम टीवी पे ऐड चलाए या दिन रात ऑनलाइन यूट्यूब पे ऐड चलाते रहे, या हम हर बंदे के माइंड में घुसने की कोशिश करें, जितने भी OTT नेटवर्क्स हैं उन पे ऐड चलाए। एक आयुर्वेदिक मार्केटिंग कंपनी के लिए पर्सनल ब्रांडिंग ही उसका यूएसपी हो सकता है स्टार्टिंग में। उसके बाद जब जैसे जैसे आप ग्रो करोगे तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के साथ साथ आपकी दूसरी जो आप एडवर्टाइजमेंट से ब्रांडिंग कर रहे हैं या दूसरी ब्रांडिंग कर रहे हैं वो भी काम देगी। जो आपका स्टार्टिंग में यूएसपी रहेगा वो आपका पर्सनल ब्रांडिंग ही रहेगा। आप उनके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हो कि जब भी उनको वो प्रोडक्ट बेचने का मन आए तो उनके माइंड में सबसे पहले आपका नाम आए, आपका चेहरा आए, और वो आपके प्रोडक्ट को दूसरों की बजाय ज्यादा प्रेफर करे, चाहे आपके उस प्रोडक्ट में थोड़ा मार्जिन कम हो या ज्यादा हो, वो डिपेंड नहीं करता। उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं हमने कोशिश जो की है आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने का या यूएसपी समझने की जो कोशिश करी है उसमें हम कहीं ना कहीं कामयाब रहे होंगे। अगर नहीं भी रहे हैं तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले वीडियो में जैसे ही हम कुछ और सीखते हैं तो वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।